आज हमने एरेज की प्रैक्टिस करनी है। लास्ट टाइम हमने एरेज की थ्योरी हमने समझी थी, तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि ये डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन हम करके देखेंगे प्रैक्टिकली। सबसे पहले हम एक एरे बनाते हैं। एरे बनाने का कर क्या है कि आप डेटा टाइप लिखेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके बाद कोई भी नाम एरे का, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्स। अब ये इंच के बजाय कुछ भी हो सकता है, डबल, स्ट्रिंग, चार वगैरह। तो आप फॉर एग्जांपल ये एरे बन गई है, अब इसको इनिशियलाइज कैसे करना है आपने, आप इसको साथ यहाँ पे इक्वल टू लगा के यहाँ ब्रैकेट्स में इसकी वैल्यूज दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ये वैल्यूज दे रहे हैं, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये जाएगी उसके इंडेक्स नंबर 0 पे, ये इंडेक्स नंबर 1 पे, ये 2 पे, एंड सो ऑन। तो इस एरे का साइज क्या है, 5, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5 है, और इसका फर्स्ट इंडेक्स होगा 0 और लास्ट इंडेक्स होगा 4, ठीक है। एक तो ये तरीका है अगर आप डायरेक्ट वैल्यूज देना चाहते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप लिखें x इज इक्वल टू न्यू इंट और आगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने आप चाहते हैं, ये भी एक मेथड है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे तो आप वैल्यूज खुद स्पेसिफाई कर रहे हैं ना, यहाँ पे वैल्यूज नहीं दी, यहाँ पे उसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, मेमोरी यहाँ पर भी एलोकेट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपकी मर्जी की वैल्यूज भी चली जाएंगी। यहाँ पे आपकी आपने कोई वैल्यूज नहीं दी, यहाँ पे जस्ट मेमोरी एलोकेट की है। हम एक लूप लगा कर ना इसको सारी वैल्यूज एक दफा प्रिंट करके देख लेते हैं कि इसमें गया क्या है इसके अंदर, ठीक है। हमने तो जस्ट कहा है कि 5 इंटीजर्स की जगह मुझे दे दो, ठीक है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि इसके अंदर कंपाइलर ने या ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसके अंदर स्टोर क्या किया है, ठीक है। ये 0 0 स्टोर कर दिया उसने। बाय डिफॉल्ट अगर आप इंट एरे को इनिशलाइज नहीं करते तो वो उसके अंदर 0 रख देता है। तो इससे आपने केयरफुल रहना है, ये गार्बेज वैल्यू नहीं आएगी इसके अंदर। C++ में अगर आप उसको वैल्यू नहीं देते तो उसमें गार्बेज वैल्यू आती है। यहाँ पे आपने उसको कोई वैल्यू नहीं दी लेकिन उसने खुद से उसको 0 से इनिशलाइज कर दिया, ठीक है, समझ आई। ये डिफरेंस है। एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स, अगर आपने इसको, मैं फिलहाल कर रहा हूँ कमेंट आउट, यही स्टेटमेंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर आपने इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, लाइक मैंने ये 20 एलिमेंट है इसको एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, इंडेक्स। इसका इंडेक्स क्या है, ओके 20 वैल्यू को हमने प्रिंट करवाना है तो हम इसका इंडेक्स लिखेंगे 2, लेकिन सिर्फ इंडेक्स तो नहीं लिखेंगे ना, एरे का नाम ही तो लिखेंगे। एरे का नाम क्या है, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2। तो ये हमने इसके इंडिविजुअली उसके एलिमेंट को एक्सेस किया एक एक करके, ठीक है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, हम इसमें इनपुट लेना चाहते हैं, या हम इसको किसी कैलकुलेशन एक्सप्रेशन के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये जस्ट एक वेरिएबल की तरह आप इसको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी, इसको असाइन भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ 50, तो अब एक्स टू पे पहले 20 था, अब 50 हो जाएगा, ठीक है। हम इसको एक दफा असाइन करने से पहले प्रिंट करवा कर देख लेते हैं, ठीक है। एक्स ऑफ 2, चलो देखते हैं क्या प्रिंट होता है, इसका आउटपुट क्या आएगा और इसका आउटपुट क्या आएगा, ये बता सकते हैं भाई। हाँ जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, शाबाश। इसका 20 आएगा आंसर, बिकॉज अभी उसकी वैल्यू 20 है। जब ये वैल्यू साइन हो जाएगी उसके बाद फिर प्रिंट करेंगे तो 50, ठीक है, समझ आ गई।
अच्छा, इंडिविजुअली एक्सेस करना समझ आ गया कैसे करना है। अब आपने एक्सेसिंग एलिमेंट्स यूजिंग लूप्स, ठीक है। तो अब ये लूप के थ्रू एक्सेस करना हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ये देखें, ये हमने लूप लगाई थी, चलें इसी को हम दोबारा यूज कर लेते हैं। ये लूप हमने लगाई थी अभी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम 0 to 4। ये फर्स्ट एलिमेंट, इस इंडेक्स 0 है, लास्ट इंडेक्स 4 है। तो ये लूप की समझ आ रही है। और इसमें आप सिंपली क्या कर रहे हो, उस एलिमेंट को प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें सारी वैल्यूज प्रिंट कर देनी है वन बाई वन। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इजी है। सारे एलिमेंट्स को जब आई की वैल्यू 0 होगी तो वो एक्स ऑफ 0 को यानी कि 10 को प्रिंट करेगा। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो वो एक्स ऑफ 1 यानी कि 15 को प्रिंट करेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फिर एक प्रोग्राम था जिसमें हमने चार चीजें फाइंड आउट की थी, बल्कि काफी सारे काम किए थे हमने। सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम फाइंड किया था। फिर हमने रैंडम एरे बनाई थी, मतलब रैंडम नंबर्स जनरेट करना सीखा था, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम वन बाई वन ये सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि रैंडम एलिमेंट्स कैसे जनरेट होते हैं। ये है ना, ये लाइन है रैंडम, और उसके बाद ये वाली लाइन है, ठीक है। उसके बाद हमने एक एरे बनाई है, उसको हमने, इसने तो बनाया है फंक्शंस की शक्ल में। तो हम जस्ट इसकी लॉजिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट कैसे चल रही है। वैसे आप एज इट इज ये सारा कोड लिख सकते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में, चल जाएगा सारा एज इट इज। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रैंडम नंबर को जनरेट करना हो तो वो कैसे जनरेट होता है, ठीक है। हमें एक क्लास है हमारे पास अवेलेबल, उसका नाम क्या है, रैंडम। इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे पहले, ठीक है। कोई भी नाम रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आर, और उसको आप इनिशलाइज कर दें न्यू रैंडम। ये हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसको इनिशलाइज भी कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक मेथड होता है ये वाला डॉट नेक्स्ट, ठीक है। ये आप यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है आर, और उसके साथ आप क्या लिखेंगे, डॉट नेक्स्ट। इसको आप बताएंगे, वैसे तो इसकी बहुत सारे ओवरलोडेड वेरिएशंस हैं। आप देखें यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, वन ऑफ थ्री, यानी ये जो फंक्शन है ये थ्री फॉर्मेट्स में, थ्री डिफरेंट वेज में कॉल किया जा सकता है। एक तरीका तो यही है कि आप इसको यहाँ पे कॉल ऐसे ही इसकी ब्रैकेट्स खाली छोड़ दें, ठीक है। आप यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, अब ये क्या करेगा, आउटपुट क्या आएगा, आप इसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं दे सकते इस आउटपुट क्या आएगा। ये रैंडम नंबर जनरेट कर देगा, और ये आई थिंक होगा बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। इसको हम रन करके देखते हैं, नहीं ये 0 एंड 1 के नहीं है, कोई सा भी रैंडम नंबर जनरेट कर देगा, ठीक है। दोबारा रन करें, ये कोई और नंबर आ गया। इसको आप कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ये क्या नंबर आपको देगा, ठीक है। लेकिन हमें अगर चाहिए किसी खास रेंज के अंदर, कि इस रेंज के अंदर अंदर ये हमें रैंडम नंबर चाहिए, लाइक आप लूडो की गेम जानते हैं ना आप लोग, लूडो की गेम अगर फर्ज करें आप बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसमें जब यूजर डाइस रोल करता है तो वो एक नंबर आता है 1 से 6 के दरमियान दरमियान। आप ये चाहते हैं कि इसको आपने सिमुलेट करना है कंप्यूटर प्रोग्राम में, कि यूजर ओके का बटन प्रेस करे या डाइस रोल का बटन प्रेस करे तो उसके एक सामने एक नंबर लिखा हुआ आ जाए 1 से 6 के दरमियान में, ठीक है। वो यूजर को भी नहीं पता कि वो नंबर क्या आएगा, ना कंप्यूटर को पता होगा क्या नंबर आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दिए 1 एंड 6। लेकिन यहाँ पे ना ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, मिनिमम वैल्यू एंड, नहीं। तो यहाँ पे लिखा है मैक्स वैल्यू के बारे में उसने नोट लिखा है, द एक्सक्लूसिव अपर बाउंड। एक चीज होती है एक्सक्लूसिव, एक चीज होती है इंक्लूसिव। अब इसने सिर्फ मैक्स वैल्यू की बात की है कि ये जो मैक्स वैल्यू है ना ये एक्सक्लूसिव अपर बाउंड है, मतलब अगर अब यहाँ पे 6 लिखेंगे ना तो इट मींस कि 6 इंक्लूड नहीं होगा इसके अंदर। अगर यहाँ पे लिखा होता है ना इंक्लूसिव,
तो इट मींस कि सिक्स शामिल है इस रेंज के अंदर। अभी जो लिखा हुआ जी जो मैक्स वैल्यू है दिस इज एक्सक्लूसिव अपर बाउंड, इट मींस सिक्स इस रेंज के अंदर शामिल नहीं है। सिक्स से नीचे नीचे आएगा, सिक्स के ऊपर सिक्स शामिल नहीं होगा इसके अंदर। तो हम चाहते हैं सिक्स भी आए, तो फिर हम यहाँ पे सिक्स की बजाय क्या करेंगे, सेवन प्लस वन करेंगे। इसी वजह से आपने यहाँ पे देखा होगा यहाँ पे हमने क्या लिखा था, मैक्स वैल्यू प्लस वन, ठीक है, बिकॉज सिक्स भी हमें इंक्लूडेड चाहिए उस रेंज के अंदर। इसको आप क्या जी, फाइव आया दोबारा, फिर आप इसको रन करें, इस दफा क्या आया, टू आया। अच्छा हम इसको ना एक लूप में ले आते हैं, हम कहते हैं नहीं 10 रैंडम नंबर्स जनरेट कर दो मुझे, ठीक है। ये ले, ये 10 रैंडम नंबर जनरेट हो गए। हम ऐसा करते हैं, मैं जस्ट ये श्योर करना चाह रहा हूँ सिक्स भी इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ही मैं नेक्स्ट लाइन के बजाय ना मैं इसको 100 नंबर प्रिंट करवा देता हूँ, देखते हैं सिक्स आता है या नहीं आता, ठीक है। वन भी आ रहा है, सिक्स भी आ रहा है, इट मीन्स के दरमियान में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको यहां पे कर देता हूँ सिक्स, अब आएगा वन तो आएगा लेकिन सिक्स नहीं आएगा, ठीक है, देख लें कहीं भी सिक्स नहीं आया। तो आपको इस फंक्शन की समझ आई होगी रैंडम नंबर कैसे जनरेट होते हैं, ठीक है। तो आप ये लॉजिक देखें जो उसने लॉजिक यहाँ पर लगाई है, यहाँ पे सिंपली जो एरे का साइज होगा उस उतनी दफा ये लूप चलेगी और उतने रैंडम नंबर जनरेट करके एरे के अंदर रख देगा। हम इसी को यहाँ पे लिखते हैं, एरे हमने बनाई फॉर एग्जाम्पल एक्स, और उसको हमने क्या साइज दिया, न्यू इंट 10, ठीक है। अब हम चाहते हैं इसके अंदर सारे रैंडम एलिमेंट्स आ जाएं, ठीक है, तो हम लूप चलाएंगे 0 से 9 तक, और इसको प्रिंट करवाने के बजाय हम क्या करेंगे, जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है वो एक्स ऑफ आई के अंदर रख देंगे। ये लॉजिक समझ आई, ये वाली लॉजिक, जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है ना उसको प्रिंट नहीं करवा रहे, क्या कर रहे हैं उसको एरे के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। एरे के उस अगर आई की वैल्यू 0 होगी तो वो एक्स ऑफ 0 के अंदर रैंडम नंबर को स्टोर कर देगा, ठीक है। आई की वैल्यू 1 होगी तो वो एक्स ऑफ 1 के अंदर रैंडम नंबर जनरेट कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको प्रिंट करवाते हैं एक्स ऑफ आई। अच्छा ये लूप लगी हुई है ऑलरेडी, हम इसी लूप को यूज करते हो ना, मैं जस्ट देखना चाह रहा हूँ उसमें क्या रैंडम नंबर जनरेट किया है, ठीक है। एक्स ऑफ आई और एक स्पेस दे देते हैं। अब जैसे जैसे रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है ना साथ साथ वैसे वैसे हम उसको प्रिंट भी करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी एरे बन गई है, ओके। हम वन की बजाय हम कर देते हैं 101, मतलब ये 1 से 100 तक रैंडम नंबर जनरेट करेगा, 1 से 100 तक, ठीक है, समझ आ गई। एनी क्वेश्चन, ओके। रैंडम नंबर्स हमने जनरेट करना सीख लिए, समझ भी लिए। अब हम इसके में अगर सम फाइंड करना चाहते हैं, सम कैसे होगा, तो सम यही सेम लूप यूज कर रहा हूं वैसे, आप एक चलो अलग अलग लगा लेते हैं लूप हम, ठीक है। एक लूप हमने और लगाते हैं, एक वेरिएबल लिया सम, और लूप हमने यही लगानी है, ये वाली सेम। करना क्या है कि एरे के सारे एलिमेंट्स को ऐड करना है, जो भी एलिमेंट्स होंगे। सम हम सिंपल सी लॉजिक है, सम प्लस इक्वल टू एक्स ऑफ आई। प्लस इक्वल टू का मतलब क्या होता है, प्लस इक्वल टू, ठीक है, शाबाश। यानी जो सम की वैल्यू है ये, मतलब इसका इसका मतलब ये है, सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स ऑफ आई, इसका मतलब ये है कि जो सम की जो मौजूदा वैल्यू है उसके अंदर एक्स ऑफ आई की वैल्यू को ऐड करके जो रिजल्ट है वो भी सम के अंदर रख दो, ठीक है। तो ये इसका शॉर्ट एंड ऑपरेटर समझ लें। अच्छा जब ये लूप खत्म हो जाएगी तो फिर हम इसका जो सम प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, सम ऑफ एरे इज, यहां पे हम सम की वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं।
सम ऑफ एरे इज 629, ओके। यहाँ पे हम बैक स्लैश एन भी लगा देते हैं कि ये जितनी दफा भी प्रोग्राम रन करेंगे ना, हर दफा डिफरेंट रैंडम नंबर्स जनरेट होंगे, सेम एरे नहीं आएगी। तो इस चीज को मैं फिलहाल, चलो ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, फिलहाल रैंडम नंबर्स ही जनरेट कर लेते हैं सारे। ये देखें, इस दफा सम क्या आया है, 481। ये जितनी दफा रन करेंगे डिफरेंट आंसर आएगा, ठीक है। अब अगर हमने इसमें से एवरेज निकालनी हो तो एवरेज कैसे निकालेंगे? शाबाश, सम को किससे डिवाइड करेंगे, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, एक तो आपको ऑलरेडी आइडिया है, आपने एरे बनाई है, आपको पता है इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। लेकिन एक आई थिंक अगर आप एक्स लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, तो आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी लेंथ। क्या प्रॉपर्टी है ये आपको बता देगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसके अंदर। और यही प्रॉपर्टी आप यहां पर भी यूज कर सकते हैं, ये लूप लगाते हुए यहां पे, और यहां पे इक्वल ना लगाएं, जस्ट लेस देन लगा दें। लेंथ उसकी कितनी है, 10 है, तो लेस देन 10 का मतलब क्या है कि वो 9 तक जाएगा। समझ आ गई बात? अच्छा, एवरेज हमें चाहिए, तो एवरेज के लिए हमें डबल टाइप या आपको चाहिए फ्लोट टाइप वेरिएबल चाहिए, ठीक है। तो लेकिन अब अगर इसको आप प्रिंट करेंगे ना, देखते हैं प्रिंट करके, एवरेज सम ऑफ एरे इज 49, ओके। एवरेज जो है ना वो डेसिमल पॉइंट में आनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्यों नहीं आई डेसिमल पॉइंट में, कैसे करेंगे बताएं, कन्वर्ट कैसे करेंगे, कहां पे, साम के साथ, साम के साथ लगा दें या इसके साथ लगा दें, ठीक है। कम से कम कोई एक के साथ लगा दें आप, ठीक है, सही है। इसके साथ लगा दें या इसके साथ लगा दें, अगर आप एक को आप डबल में कन्वर्ट करेंगे तो कंपाइलर दूसरी को खुद ब खुद डबल में ले आएगा, ठीक है। ठीक है, ओके। मैक्सिमम फाइंड करना है और मिनिमम फाइंड करना है, उसकी सिंपल लॉजिक है। मैक्स इज एक वेरिएबल बना ले मैक्स, और उसको आप असाइन कर दें फर्स्ट वैल्यू ऑफ एरे। कौन सी वैल्यू? दिस इज फर्स्ट वैल्यू ऑफ द एरे, एक्स ऑफ जीरो, ऐसे ही है ना। अब आप जब लूप के अंदर जाएंगे ना, ये मैं फाइंड करने लगा हूं मैक्सिमम। जब आप लूप के अंदर जाएंगे तो आप जो भी नेक्स्ट वैल्यू आ रही है एरे की, एक्स ऑफ वन आ रही है या एक्स ऑफ टू आ रही है या एक्स ऑफ थ्री आ रही है, उसको आप अपने मैक्स के साथ कंपेयर करेंगे कि अगर नेक्स्ट इनकमिंग वैल्यू बड़ी है इससे, मैक्स से, तो फिर हम उसी को मैक्स बनाएंगे जो नेक्स्ट वैल्यू। तो इसकी सिंपल लॉजिक है कि इफ एक्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन व्हाट, मैक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ आई। ये लॉजिक समझ आई है? अगर कोई नेक्स्ट वैल्यू आ रही है जो मैक्स से बड़ी है, तो फिर उसी को मैक्स बना लो। फिर अब हम इसको, बस ये सिंपल लॉजिक है मैक्स की। अब हम इसका मैक्सिमम प्रिंट करके देखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू 95, देखें जरा, 95 ही है ना, ओके। और अब आप मुझे बताएं कि मिनिमम कैसे फाइंड करेंगे, लेस देन करेंगे, शाबाश। एक नया वेरिएबल बना लेते हैं और उसको भी जो फर्स्ट वैल्यू है ना उसको असाइन कर देते हैं मिनिमम को। मैक्सिमम फाइंड करना हो या मिनिमम फाइंड करना हो, सेम लॉजिक है, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, लेस देन, अगर कोई नेक्स्ट इनकमिंग वैल्यू आ रही है वो कम है मिनिमम से, तो फिर उसी वैल्यू को मिनिमम बना लो, ठीक है। और उसके बाद आप उसको प्रिंट करवा दें। जी, मैक्सिमम इज 96 एंड मिनिमम इज 8। आप देख सकते हैं एरे में कोई मसला तो नहीं है, सारे स्टैटिस्टिक्स ठीक आए हमारे।
ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई जी सब बच्चों को कि हमने सिंगल डायमेंशनल एरे के ऊपर कैसे काम करना है, वन डायमेंशनल एरे के ऊपर। अब हम स्टार्ट करेंगे टू डायमेंशनल एरेज। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ग्राफिकली आपको बता देता हूँ। देखें, जब आप एक यूं सवाल है, एक डायरेक्शन में सारा डाटा लिखते हैं लाइक दिस, ये एक डायरेक्शन में सारा डाटा है। अगर मैं यहाँ पे, या आप कह सकते हैं एक कॉलम है, अगर मैं इसके साथ एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ लाइक दिस, ठीक है, अब दो कॉलम बन गए ना, तो इन दोनों कॉलम्स को मिलाया जाए तो ये बन जाएगी टू डायमेंशनल एरे। अगर सिर्फ इसको देखा जाए तो ये वन डायमेंशनल एरे है जिसमें सिर्फ कॉलम है, जस्ट इसमें रो नहीं है। लेकिन जब उसके साथ एक और कॉलम ऐसा मिला दिया जाता है तो फिर वो क्या बन जाती है, टू डायमेंशनल एरे। और इसमें जितने चाहें आप कॉलम्स मिलाते जाएं, ठीक है, लाइक हमने एक और कॉलम मिला दिया साथ ही, कैसे जितने चाहें आप कॉलम्स इसके अंदर ऐड करते चले जाएं, ये टू डायमेंशनल एरे ही रहेगी। टू डायमेंशनल एरे भी कहते हैं, टेबल भी कहते हैं, मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो जब टू डायमेंशनल एरे की बात होती है ना, तो फिर हम उसके किसी भी एलिमेंट की बात जब हमने करनी होती है तो उसके दो इंडेक्स यूज किए जाते हैं, एक उसका रो वाइज, एक कॉलम वाइज। समझ आ गई बात? वन डायमेंशनल में जस्ट एक कॉलम होता है, एक इंडेक्स होता है जस्ट, और टू डायमेंशनल में दो इंडेक्स होते हैं, एक रो का और एक कॉलम का। ठीक है, यानी कि अगर फर्ज करें ये हमारे पास टू डायमेंशनल एरे है, ये हम इसके बॉर्डर्स लगा देते हैं इसको जरा समझने के लिए। ठीक है, दिस इज टू डायमेंशनल एरे, और अब इसका ये इंडेक्स मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3। और ये जो इंडेक्स है ये कौन से इंडेक्स है, ये रोज के हैं, और ये कौन से इंडेक्स हैं, 0, 1 और 2। ठीक है, ये आपके कॉलम्स के इंडेक्स है। तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल ये वाला एलिमेंट, इसको आपने, या ये वाला एलिमेंट देख लेते हैं, इसका आपने यूज करना है रेफरेंस, तो आप क्या लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल? जी हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल इस एरे का नाम क्या है, एक्स, तो आप क्या लिखेंगे, एक्स ऑफ वन, और आई थिंक ऐसे यूज करेंगे इसको, मैं इसको एक बार कंफर्म कर लेता हूँ इसने कैसे यूज किया हुआ है। नहीं, एक ही ब्रैकेट के अंदर यूज करना है, ठीक है, इधर से वन और फिर इस तरह कॉमा लगा के आप इस तरह से यूज करेंगे इसको। तो ये एक्स ऑफ वन टू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस डायमेंशन को, इस बॉक्स को। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करना चाहता तो मैं क्या लिखूंगा, 0। समझ आ गई है, क्लियर? ओके, ये है टू डायमेंशनल एरेस। अब हम इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं छोटा सा, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और अब हम बात करेंगे टू डायमेंशनल एरेस की। ठीक है, टू डायमेंशनल एरे बनाएंगे कैसे, आप सिंपल वैसे ही जैसे आपने वन डायमेंशनल बनाई थी, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आ जाएगा कॉमा, एक कॉमा आएगा, तो ये जो एक कॉमा आप लगाते हैं ये रिप्रेजेंट करता है टू डायमेंशनल एरे को। ये बन गई हमारे, डिक्लेयर हो गई है, दिस इज टू डायमेंशनल एरे। इसको आपने इनिशलाइज करना, तो वो कैसे करेंगे, आप ये कर्ली ब्रैकेट्स देके इसके अंदर उसको इनिशलाइज करेंगे। ठीक है, तो दो तरीके हैं इनिशलाइज करने के। एक तरीका तो ये है, देखें पहले आप ये डिसाइड कर लें कि इसमें आपने कितनी रोज कितने कॉलम्स क्रिएट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यही सिनेरियो क्रिएट करना है आपने, तो इसमें कितनी रोज हैं कितने कॉलम, 4 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 7, 12, शाबाश, 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 12 एलिमेंट्स होंगे। तो आप यहां पे एक सीक्वेंस से आप 12 एलिमेंट्स लिख दें आप। अच्छा, ये आई थिंक इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सी प्लस प्लस में ये कर लेते हैं एक्सेप्ट, यहां पे नहीं कर रहा, तो हम फिर कैसे देंगे, इस तरह से।
मतलब हम हर रो की वैल्यूज अलग अलग देंगे, ठीक है? और ये बेटर वे भी यही है, वो इस तरह से। ये फर्स्ट रो आ गई, ये वैल्यूज मैंने 1 2 3 दी हैं, ये वाली नहीं दी मैंने, आप जो चाहे वैल्यूज दे दें आप। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है और ये फोर्थ रो है। समझ आ गई बात? ये तो एक तो ये तरीका है इनिशियलाइज करने का, और दूसरा तरीका क्या है, आप लिखें इंट कॉमा और आगे लिख कॉमा और उसके बाद एक्स न्यू इंट, हाउ मेनी रोज 3 एंड हाउ मेनी कॉलम्स, कितने कॉलम्स है और जी, नंबर ऑफ रोज 4 है और कॉलम्स कितने हैं 3। तो ये इसमें वो सबको 0 से इनिशियलाइज कर देगा, मैंने पहले ही बताया था, अभी आपको बताया था ना कि अगर आप वन डायमेंशनल अरे को इसका इस तरह से इनिशियलाइज करते हैं तो वो 0 दे देता है सबको, तो इसमें भी सबको 0 आ जाएगा। ओके क्लियर? अब हमने इसको अगर इंडिविजुअली एक्सेस करना है तो वो कैसे करेंगे, हम सिंपली अरे का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसका इंडेक्स, रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं दोबारा इनेबल कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूंगा बताएं, रो नंबर क्या है इसकी? शाबाश, रो नंबर इसकी 1 है, कॉलम नंबर 0 है, ऐसे एक्सेस करेंगे इसको। अब इसको प्रिंट करके देख लें, बेशक कंसोल डॉट राइट लाइन इसकी वैल्यू प्रिंट करके देख लें, क्या प्रिंट होगा? 4। ठीक है, सही आंसर। ओके ये पॉइंट समझ आ गए, इंडिविजुअली कैसे एक्सेस करेंगे। अब हम देखते हैं कि लूप के थ्रू कैसे एक्सेस होगा। वन डायमेंशनल एरे को एक्सेस करने के लिए सिंगल लूप चलाते थे हम, यहाँ पे दो लूप्स लगेंगी, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा करते हैं कि हम रोज के लिए आर वेरिएबल ले लेते हैं, और ये कहाँ तक जाएगा, नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास टोटल? 4। और इसका लास्ट इंडेक्स क्या होगा? 3। ठीक है, ये इसके अंदर एक और लूप लगाएंगे हम, सी ले लेते हैं उसके लिए, ठीक है? ये भी 0 से स्टार्ट करेंगे, और लेकिन ये कहां तक जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? 3 हैं, तो ये 2 तक जाएगा, ठीक है? क्लियर? ओके अब लूप्स हमारी लग गई, अब हमने हर एलिमेंट को प्रिंट करवाना है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? हम क्या लिखेंगे, एक्स ऑफ व्हाट, एक्स ऑफ आर कॉमा सी, ठीक है? कंसोल डॉट राइट लिख देता हूं मैं, और यहां पे एक स्पेस दे देता हूं। देखें जब आर की वैल्यू 0 होगी तो ये सी वाली लूप पूरी चलेगी, बिकॉज दिस इज नेस्टेड लूप, ठीक है? आर की वैल्यू जब 0 होगी तो सी वाली लूप पूरी चलेगी, फ्रॉम 0 to 2 उतनी देर तक आर 0 ही रहेगा, ये लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद फिर आर जाएगा 1 पे, उसके बाद फिर ये लूप 0 से स्टार्ट होकर 2 तक जाएगी, क्लियर? फिर आर की वैल्यू 2 होगी, फिर ये लूप दोबारा फिर 0 से, नेस्टेड लूप बार बार 0 से 2 तक जाएगी, आउटर लूप की हर आइटरेशन के लिए। ये बात समझ आ गई? यानी अगर फॉर एग्जाम्पल जब आर की वैल्यू 0 है तो अंदर आता है और सी को भी 0 से स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे आर भी 0 है और सी भी 0 है इस टाइम, तो वो एक्स 0 0 प्रिंट करेगा, एक्स 0 0। तो व्हाट इज एक्स 0 0? ये, फिर ये सी जाए चला जाएगा 1 पे, तो अब ये प्रिंट करेगा एक्स 0 1 को, व्हाट इज एक्स 0 1? ये, फिर सी जाएगा 2 पे, तो अब ये प्रिंट करेगा एक्स 0 2 को, तो अब ये एक्स 0 2 यानी कि 3 को प्रिंट करेगा, फिर ये लूप खत्म हो जाएगी बिकॉज इसने 2 तक ही जाना है, फिर ये ऊपर जाएगा और आर की वैल्यू करेगा 1,
जी, फिर अंदर आएगा सी को दोबारा फिर जीरो से स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे 1 0 प्रिंट होगा, फिर 1 1 प्रिंट होगा, फिर 1 2 प्रिंट होगा एंड सो ऑन। समझ आ गई? ओके, इसको रन करके देखते हैं हम। ये सारे नंबर्स प्रिंट हो गए अगर, लेकिन अगर हम इसको चाहते हैं हम इसको एक मैट्रिक्स के स्टाइल में प्रिंट करें कि पहले रो फर्स्ट आए, फिर सेकंड रो आए, फिर थर्ड रो आए, तो आप ये जो सेकंड जो इन्वेस्टेड लूप कंप्लीट हो रही है ना, इस नेस्टेड लूप के कंप्लीट होने के बाद आप एक लाइन ब्रेक दे दें, यानी हर रो के बाद एक लाइन ब्रेक आए। ठीक है, तो अब आपका जो आउटपुट है वो एक मैट्रिक्स की शक्ल में आएगा इस तरह से। लेकिन अभी भी अगर आप इसको देखें तो दिस इज नॉट एन अलाइंड आउटपुट, अलाइनमेंट ठीक नहीं है इसकी। मतलब ये जो कॉलम है इसके नीचे यहां पे 11 आना चाहिए था। ठीक है, यहां पे ये जो स्पेस है ना, यहां पे मैं लगा देता हूँ बैक स्लैश टी। ठीक है, बैक स्लैश टी क्या करता है? टैब। अब ठीक है, ओके। तो ये आपको 2 डायमेंशनल एरे समझ आ गई। जिस तरह से हमने 1 डायमेंशनल एरे के अंदर सम फाइंड किया था, मैक्सिमम फाइंड किया था, मिनिमम एवरेज, सेम सारी चीजें यहां पर भी हो सकती हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं 3 डायमेंशनल एरे पे। ओके, 3 डायमेंशनल एरे का कॉन्सेप्ट समझें आप, ये कैसा होता है। ये देखें, ये एक टेबल है हमारे पास। ठीक है, मैं इस टेबल को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, एक और टेबल आ गया हमारे पास। ठीक है, समझ आ गई? और इसको यहाँ पे फिर मैं पेस्ट कर देता हूँ एक दफा। कितने टेबल हो गए हमारे पास? 3 टेबल्स हो गए। और इस पूरे 3 टेबल्स की कलेक्शन को मैं एक ही नाम दे देता हूँ। क्या नाम दिया? एक्स। है ना इंटरेस्टिंग? अब ये 3 टेबल्स का नाम एक्स है। अब एक्स सिर्फ इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, अब एक्स इन तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलें, अब यहां पर तो बात ठीक है। अब हमें हर टेबल का भी एक इंडेक्स लगाना पड़ेगा। इसका भी इंडेक्स फॉर एग्जांपल क्या रखते हैं हम? 0। इस टेबल का इंडेक्स 1 और इस टेबल का इंडेक्स 2। ठीक है, समझ आ गई? अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने इस एलिमेंट को रेफर करना है, इसको 20 को, ये वाला एलिमेंट, तो मुझे अब 3 इंडेक्स बताने पड़ेंगे। सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि भाई वो कौन से टेबल के अंदर है, टेबल कौन सा है वो, फिर उस टेबल के अंदर रो कौन सी है 1, फिर वो कॉलम कौन सा है। तो मुझे कौन से 3 इंडेक्स बताने पड़ेंगे? शाबाश, सिंपल इज दैट। टेबल नंबर 1, रो नंबर 1, कॉलम नंबर 0। तो दिस इज 3 डायमेंशनल एरे। तो 3 डायमेंशनल एरे में आप इस तरह के जितने चाहे टेबल्स आप लिख दें, यहाँ पे हजारों टेबल्स भी आ सकते हैं। ये बात क्लियर? तो यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि 1 डायमेंशनल एरे जो होती है वो लिस्ट ऑफ वैल्यूज होता है। क्या होता है वो? और 2 डायमेंशनल एरे होती है वो लिस्ट ऑफ 1 डायमेंशनल एरेज। बहुत सारी 1 डायमेंशनल एरेज मिलाएं तो एक 2 डायमेंशनल एरे बनती है। और 3 डायमेंशनल क्या होगी? लिस्ट ऑफ 2 डायमेंशनल एरेज। क्लियर? ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे मैंने थ्योरेटिकली भी ये बात समझाई थी, आई थिंक 3 डायमेंशनल एरेज, तो हम यहां पे डिक्लेयर करने लगे हैं। अब डबल कॉमा लगाएंगे यहां पे। ठीक है, एरे का नाम एक्स। ठीक है, और ये हमने इसकी डायमेंशन बतानी है। ठीक है, सबसे पहले आप बताएंगे नंबर ऑफ टेबल्स कितने हैं, फिर हर टेबल के अंदर रोज कितनी है और कॉलम कितने हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि 3 डायमेंशनल एरे में जितने भी टेबल्स होंगे ना, जितने भी टेबल्स होंगे वो सब सेम डायमेंशन के होंगे। यानी ये टेबल, इन सब के रोज कॉलम एक जैसे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि इसके रोज कॉलम कुछ और हों, इसके कुछ और हों, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब मुझे बताएं यहाँ पे डायमेंशन क्या लिखूं मैं। अगर ये वाला सिनेरियो मैंने बनाना है 3 डायमेंशन एरेज का, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं? फर्स्ट डायमेंशन होती है नंबर ऑफ टेबल्स की, तो फर्स्ट डायमेंशन क्या लिखूं मैं? 3। शाबाश। सेकंड डायमेंशन नंबर ऑफ रोज होती है हर टेबल के अंदर, वो 4। और थर्ड डायमेंशन होती है नंबर ऑफ कॉलम्स, 3। ये समझ आ गया?
बाकी इसको इंडिविजुअली एक्सेस आपने वैसे ही करना है जैसे आपने टू डायमेंशन ले रहे हो और वन डायमेंशन ले रहे हो उसको किया था। अब आप थ्री इंडेक्स बता के एक्सेस करेंगे, यहाँ पर टू इंडेक्स है ना, अब आप थ्री इंडेक्स बताएंगे। और जब आपने लूप्स लगानी है तो थ्री लूप्स लगेंगी आपकी। सबसे जो आउटर लूप होगी वो नंबर ऑफ टेबल्स के ऊपर चलेगी, उसके अंदर नंबर ऑफ रोज फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, क्लियर? एनी क्वेश्चंस? कॉलम्स हाँ, कॉलम्स वाली लूप के अंदर। ठीक है, तो ये सिर्फ प्रिंट नहीं करवाना होता, ये कोई भी किसी भी किस्म की प्रोसेसिंग की जा सकती है उसके ऊपर। ठीक है, ओके। लास्ट टॉपिक, ये थ्योरेटिकली हमारा टॉपिक रह गया था, तो इसको हम आज इसको थ्योरेटिकली भी कर लेते हैं और प्रैक्टिकली भी कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली लिस्ट, इसको बेसिकली क्लास है ये, और ये है जी इसकी मेन जो स्पेशलिटी, ये है इसकी। ये क्या लिखा है? डायनेमिक रिसाइजेबल एरे लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज नॉट बेसिकली इन एरे, ये एरे की तरह का एक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी जो स्पेशलिटी है वो ये है, डायनेमिक है, रिसाइजेबल है। और इन प्रैक्टिस ये बहुत ज़्यादा यूज होती है बनिस्बत एरेस के। ठीक है, नॉर्मली एरेस का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, लेकिन बहरहाल वो लैंग्वेज का हिस्सा है और इस्तेमाल होती भी है, लेकिन ये ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम ज़्यादा कर सकते हैं। एरेस को वन एक दफ़ा आपको डिफाइन करना पड़ता है ना, ये 10 एलिमेंट्स की है या 20 की है या 100 की है, उसको रिसाइज नहीं कर सकते, लेकिन इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से ये ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अब हम इसको समझते हैं प्रैक्टिकली ये कैसे इस्तेमाल होगी। तो अंडरस्टैंडिंग लिस्ट, और एक और जो इसकी है ना, ये जो लिस्ट होती है, वैसे तो एरेस भी बन जाती है, एरे किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है। ठीक है, इंट्स की हो सकती है, फ्लोट की, डबल की, इवन किसी क्लास की भी ऊपर भी एरे बन जाती है, कि ये क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसकी एरे बना दो, वो भी बन जाती है। ठीक सेम है, डेटा टाइप। हाँ, सेम डेटा टाइप्स, और इसमें भी सेम ही आएगा। तो लिस्ट कैसे बनाएंगे, उसका तरीका ये होता है कि आप लिखें लिस्ट, ये देखें, ये नीचे ऑप्शन भी दे रहा है आपको, ये देखें, उसके बाद एक एंगल ब्रैकेट्स, और एंगल ब्रैकेट्स में आप लिखेंगे कि आप लिस्ट किस डेटा टाइप की बनाना चाहते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं इंट, उसके बाद लिस्ट का नाम जो मर्जी देते हैं, उसके बाद आपने करना है इसको इनिशियलाइज इस तरह से। ठीक है, समझ आ गया? ये मतलब ये डिक्लेरेशन है और ये इसकी इनिशियलाइजेशन है। ये न्यू लिखने से उसको मेमोरी में जगह मिल जाएगी, लेकिन फिल वक्त इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। जैसे अगर आप इसको यहाँ पे ना, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है एक्स डॉट काउंट, क्या प्रॉपर्टी होती है? काउंट बताएगा आपको इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस वक्त। जिस तरह से एरे की थी एक्स डॉट लेंथ, इसकी है एक्स डॉट काउंट। तो अगर हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करके देख लें तो आपको क्या आंसर मिलना चाहिए, बताओ जरा। जीरो, डेफिनेटली जीरो होना चाहिए। ठीक है, ओके, समझ आ गई। अब इसमें हम एलिमेंट्स ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड कैसे करते हैं? इसमें जस्ट जैसे आपने एरेज को आपने किया था ना, कि इंडेक्स वाइज सर्च उसमें आप कर सकते हैं, इसमें इंडेक्सिंग नहीं है। इंडेक्सिंग है सही, लेकिन वो हम इंडेक्सिंग को नॉर्मली यूज करते हैं नहीं है। हम कैसे इसमें एलिमेंट्स इजाफा कैसे करते हैं? एक्स डॉट एड, मतलब इसमें एक वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, कौन सी वैल्यू? फॉर एग्जांपल 10। और इनिशियलाइज भी वैसे ये हो जाते हैं जैसे एरेज इनिशियलाइज होती है ना, ये भी इनिशियलाइज हो जाते हैं। मैं देखता हूँ, इसमें इनिशियलाइज नहीं किया, इसमें नहीं किया हुआ इनिशियलाइज का नाम, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, अभी तो जस्ट ऐड किया है ना, मैं अगर फॉर एग्जाम्पल इसको इनिशियलाइज करना चाहता हूँ, लिस्ट ऑफ इंट एक्स इज इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ इंट ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स, नहीं ऐसा नहीं होगा,
यहाँ पे नहीं आएगी कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पे आएगी। हाँ यहाँ पे आएगी 10, 20, 30, 40, ये 5 एलिमेंट्स मैंने इसमें ऐड कर। जी इनिशियलाइज करना समझ आ गया? यस। ओके इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पे, इन रिकॉर्ड आ जाए। ठीक है अभी फिलहाल मैं ये वाली डिक्लेरेशन यूज कर रहा हूँ, ये वाली। ठीक है इसमें आप जानते हैं फिलहाल कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है तो इसको मैं यहाँ पे एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है अब दोबारा एक दफा फिर आप इसको ये काउंट चेक करें कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। ठीक है देखते हैं आगे क्या एलिमेंट। ओके इसी तरह से इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स इस तरह से ऐड किए जा सकते हैं। अब आंसर क्या आएगा? 4। समझ आ गई? और इसी तरह से इसमें से एलिमेंट्स रिमूव भी किए जा सकते हैं, जैसे ऐड है ना वैसे रिमूव भी है। ये देखें ये रिमूव वाला मेथड भी है, इसको हम देखते हैं एक्स डॉट रिमूव। रिमूव व्हाट? आगे वो वैल्यू लिखेंगे जो रिमूव करनी है हमें। ठीक है तो लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि जी वो जो वैल्यू हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल रिमूव क्या करना है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 20 रिमूव कर दो, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये 20 यहाँ पे दो दफा ऐड किया हुआ है अब वो दोनों रिमूव होंगे, एक रिमूव होगा, कौन से वाला 20 रिमूव होगा? शाबाश यही आंसर है इसका, फर्स्ट अक्रेंस उसकी फाइंड करके उसको रिमूव करेगा। ठीक है अब हमारे पास आंसर आउटपुट क्या आएगा? 3। शाबाश। ठीक है समझ आ गई? ओके इनिशियलाइज भी हो गया, ऐड भी समझ लिया आपने, रिमूव भी समझ लिया। दो चीजें हमारी रह गई हैं, हमने ये देखना है कि ये अगर लूप के थ्रू हमने ये सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने प्रिंट करने हो तो वो कैसे होंगे। ये इसको मैं 30 कर देता हूँ फिलहाल, इसको भी मैं डिसेबल कर देता हूँ। अब ये जो चार एलिमेंट्स हैं हमारे पास, इन चार एलिमेंट्स को हमने लूप के थ्रू एक्सेस करना है। ठीक है इंडेक्स के थ्रू भी एक्सेस हो जाता है इस तरह से। कितने इंडेक्स होंगे इसके अंदर? 3 तक जाएगा ना। और यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन एक्स ऑफ आई, इस तरह से ये एक्सेस हो जाएगा। ठीक है जस्ट लाइक एन एरे। और अगर आप चाहें तो फॉर ईच की लूप भी इस्तेमाल हो सकती है। फॉर ईच की लूप का मैंने आपको बताया था ये स्पेशली कलेक्शंस के साथ इस्तेमाल होती है, अब यहां पे इसकी इस्तेमाल करना बनता है फॉर ईच का कलेक्शंस के साथ, जहां पे लिस्टें होती है ना, लिस्ट ये लिस्ट बनाई है ना हमने, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी एरे, ये दिस इज अ लिस्ट। ठीक है जहां पे लिस्ट बनेगी वहां पे फिर फॉर ईच लूप यूज करना ही बनता है हमारा। ठीक है तो अब इसको यूज कैसे करेंगे, देखा मैंने क्या किया था, मैंने जस्ट यहां पे लिखे ना फॉर ईच, मैंने दो दफा टैप प्रेस कर दिया तो ये सारा स्ट्रक्चर उसने खुद ही बना दिया। यहाँ पे आपने सबसे पहले जो ये कलेक्शन है ना इसकी जगह पे आपने उस लिस्ट का नाम लिखना है, क्या नाम है इसका? एक्स। और ये आइटम की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, वेरिएबल का नाम ए बी सी। ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आई लिख दिया, आई मत लिखें आई टी लिख दें क्योंकि आई को नॉर्मली यूज किया जाता है वो इंडेक्स के लिए, तो लेकिन आई भी यहाँ पे यूज हो सकता है। खैर ये वार की जगह पे आप लिखें उसकी डेटा टाइप कि उसमें किस किस्म के एलिमेंट्स हैं। ठीक है समझ आ गई? अब ये जो आई टी है ना, ये जो वेरिएबल है ए बी सी, जो भी यहाँ पे आप रखना चाहते हैं रख लें आप, ये आपको प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा? वो आइटम आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है मैं यहाँ पे जस्ट आई टी लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था एक्स ऑफ आई, एक्स ऑफ आई को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ हमें सिर्फ आई टी या जो भी वेरिएबल आपने यहाँ पर रखा है वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे इंडेक्स लगाने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई? जो समझ लें कि आई टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ आई, यहाँ पे ये मतलब इसका। ओके फाइनली अगर हम इसकी जो एक और स्पेशलिटी है लिस्ट की, और ये थ्योरी के अंदर लिखी भी हुई एक फंक्शन है इसका, ये वाला क्या नाम है इसका?
ये आपको बताएगा अगर आपको इसमें एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं। अभी तो हमने जस्ट हमने चार एलिमेंट्स ऐड किए हैं ना, लेकिन इसके अंदर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो अगर आप कोई एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं कि क्या इसके अंदर है, रैंडमली आप कोई भी एलिमेंट्स को दें और इसे पूछें क्या इसके अंदर है, तो उसके लिए आप फंक्शन यूज करते हैं कंटेन्स का, एक्स डॉट कंटेन्स। ठीक है, इसको बताएंगे क्या वैल्यू सर्च करना चाहते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल 30। तो ये को बताएगा इसमें है या नहीं है, इंडेक्स नहीं बताएगा इसका। हम यहां पे एक वेरिएबल ले लेते हैं बूलियन टाइप का। बूलियन टाइप ऑफ वेरिएबल्स कौन से होते हैं जिसमें ट्रू फॉल्स वैल्यू आती है। फॉर एग्जाम्पल इस वेरिएबल का नाम क्या है, ए। अब मुझे बताएं ए की वैल्यू क्या होगी, ए में क्या आंसर आएगा, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा। ट्रू आएगा, ट्रू आएगा, शाबाश। हम इसकी वैल्यू प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई। हम कोई ऐसी वैल्यू दे दें जो इसमें नहीं है तो फिर क्या आंसर आएगा। ओके, तो इस वैल्यू की बेस पे फिर हम अपनी डिसीजनिंग कर सकते हैं कि इफ ए इक्वल्स टू ट्रू देन मैसेज फाउंड, अदरवाइज हम क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन जी नॉट समझ आ गई। चलो जी, फाइनली हमारा आरएस का टॉपिक कंप्लीट हो गया है।